और फिर आए। क्या हुआ, कहाँ लेने गए थे बेबी? तो जनाब व्लॉग का यहाँ पे आगाज हुआ है रात के 10 बजे, क्योंकि मैं आई हूँ अपने सिस्टर के घर पे, जहाँ बना था मज़ेदार किस्म का खाना, और यहाँ चल रही थी एक दावत जिस पे मुझे मौके से फ़ायदा उठाने का डबल मौका मिला, कि क्योंकि मेरी भी दावत हो गई और जहाँ बने थे सिंगापुरियन राइस जो कि देखने में बड़े ही मज़ेदार और डिलीशियस थे, मैंने भी फुल इंजॉय किया। और जब इंजॉयमेंट की बारी आई तो मैंने सोचा चूँकि आ गए हैं घर पर यहाँ पर, तो क्यों ना अपने हाथों में, चूँकि कल है शादी मास की और जाना है वलीमे में, तो हमने सोचा चलो मेहंदी भी लगवा लेते हैं। और इस मौके से हमने भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने दोनों हाथों पे छोटी सिंपल सी टिकिया वाली बड़ी, पर्सनली मुझे बहुत भरे हुए हाथों की मेहंदी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चूँकि टाइम भी बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, लेट नाइट थी, तो मैंने कहा बच्चे भी थके हुए, बल्कि हल्की फुल्की सी मेहंदी लगवा लेते हैं, थोड़ा सा हाथों पर कलर आ जाएगा और मेहंदी का भी नाम हो जाएगा। तो यहाँ लग रही है मेहंदी, तो मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही थी वाकई में। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट्स करके बताएगा आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो स्लो मेहंदी चल रही है, आगे पीछे हाथों में मेहंदी लगवा ली, और उसके बाद जब टाइम ज़्यादा हो गया तो मुझे पड़ा रुकने के लिए कि चांस मिला एक, तो मैंने कहा सोचा कि चलो सोना है, घर भी जाना है, रात भी हो गई है, तो यहीं सो जाते हैं। और फिर हम सो गए। फिर उसके बाद अगले दिन का आगाज़ हुआ बड़ा ही भरपूर, जहाँ हमने खाया मज़ेदार किस्म की हलवा पूरी, नो डाउट लाइफ में सेकंड टाइम जो मुझे इतनी प्यारी मज़ेदार सी हलवा पूरी खाने को मिली, वरना मेरी जो फेवरेट हलवा पूरी है वो है गोशा शहरी गुरु मंदिर की, आपकी कौन सी है कमेंट्स में बताइएगा। और आज के मेन्यू में है जी, क्या है खिलाइए? आलू की तरकारी, हलवा, छोले की तरकारी और पूरी। ये है हमारा आज का संडे ब्रेकफास्ट। जनाब शादी की तैयारी हो गई है स्टार्ट, और ये देखिए और हो रहा है शाम, तो शाम के लिए हम बना रहे हैं चाय, और चाय बन चुकी है, बस करेंगे एंजॉय और जल्दी से तैयार होते हैं शादी में जाने के लिए। चलो बनो, भागो। मेरी मानो, ये रही कैंडी और ये रहा बबलू और ये मेरी मोमो। मोमो शादी में जाओगी? अच्छा, मोमो भी शादी में जाएगी, ये और बताएगा आपको हमारी ब्लॉग कैसा लगा। तो आज हम जा रहे हैं शादी में, तो आपने यकीनन जो है टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, आज है जनाब माज भाई की शादी, तो ये हम आपको बताएंगे और जरा बहुत सारी चीज़ें हैं आज आपको दिखाने वाली। तो चलते हैं शादी में, आज बड़ा ही ज़बरदस्त सेटअप हुआ, सेटअप भी आपको दिखाएंगे, खाने में क्या ये भी दिखाएंगे, दुल्हन को भी दिखाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो दूल्हा से भी मिलवाएंगे और दूल्हा के दोस्तों से भी मिलवाएंगे। तो घर से निकलते हैं जल्दी से, बज रहे हैं इस वक्त 8:30 और हमने पहुँचना है हॉल में, तो मिलते हैं आपसे शादी हॉल में, आ जाए हमारे साथ। आज मेरी मेहंदी भी आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें जनाब मेरी मेहंदी भी लगाई है आज मैंने, फुल तैयारियाँ हैं, ये देखें चूड़ियाँ भी हैं, हर ज्वेलरी आज तो ज्वेलरी भी लानी है मैंने, फुल मेरी लुक है वो मैं आपको हॉल में जाके दिखाती हूँ। चलें फिर निकलते हैं घर से और मिलते हैं वहीं पर जाके। और जनाब हम निकल गए हैं घर से और पहुँचते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे, जहां होने जा रहा है बारात प्लस वलीमा। वलीमा हमारा मास का, जिसे मैंने आपको बताया मास जो है मेरे बेटे के दोस्त नज़म का भाई और बड़े बिग ब्रदर हैं, तो आज यहां पे जो है लेडीज़ का और जेंट्स का जो है सेपरेट सिस्टम है, लेडीज़ जो है फ्रंट पे है और जेंट्स जो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जहाँ पे सारे जेंट्स जा रहे हैं। तो हम भी अंदर चलते हैं और मिलते हैं वालिदा से, मास साहब की और मुनज़म की वालदा से। तो अंदर भी बहुत सारे जो है मेहमान भी आए हुए हैं और उनसे तो खैर नहीं मिलवाएंगे क्योंकि यहाँ पे पर्दे का चक्कर है, लेकिन हॉल आपको थोड़ा सा ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत वेन्यू बड़ा ज़बरदस्त सेलेक्ट किया है। तो आइए मैं दिखाती हूँ, ये है जनाब सिग्नेचर लॉन, ये इसका बुकिंग ऑफिस है और ये मेन मिलीनियम पे है, जे के जहाज़ भी जा रहा है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं। ठीक है जनाब, हम आ गए हैं अंदर, अस्सलाम वालेकुम। चलें जनाब,
आपको मैं ज़रा डेकोरेशन दिखाऊँ सबसे पहले, तो अंदर जाके तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि जो है यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का सेपरेट होगा। बड़ा ही प्यारा सा स्टेज भी यहाँ पे डेकोरेट हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कुछ ही देर में। यहाँ पे फुल हल्ला गल्ला होने वाला है क्योंकि ब्राइड और ग्रूम हमारे रेडी हैं, क्योंकि उनका चल रहा है फ़ोटो सेशन और वो यहाँ से कुछ देर बाद आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा सेटअप दिखाती हूँ कि बड़ा ही प्यारा सा सेटअप हुआ है। ये देखिए चेयर्स टेबल सारी चीज़ें, फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त सा सेटअप यहाँ हुआ है। तो सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकती, कुछ पर्दे के इशूज़ हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं पर्दे लगा हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बड़ा प्यारा सा सेटअप मेरे पीछे हुआ है और हम लोग सब यहाँ पहुँच चुके हैं कुछ ही देर में जो है दूल्हा और दुल्हन आने वाले, क्योंकि आज हमारा मिक्स इवेंट है, बारात वाली हमारे साथ है, निकाह माशाल्लाह से हो चुका है और कुछ ही देर में जो है दुल्हन दूल्हा भी आ जाएंगे। यहाँ इसका बूफे सिस्टम सारा लगा हुआ है। मैं भी आ गई हूँ, बड़े ही बड़ा ज़बरदस्त टेबल चेयर का सिस्टम है यहाँ पे और जिस जस्ट लाइक बार में होता है। तो यहाँ देखें आप जनाब, फूल फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और आप यहाँ पे बैठे एंजॉय करें, डिनर एंजॉय करें, लोगों से बातें करें, आप फुल मज़ेदार सेटअप, बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट हुआ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। कुछ ही देर में खाना खुलने वाला है, यहाँ खुल रही है कोल्ड ड्रिंक, तो आपको दिखाते हैं मेन्यू, मेन्यू में क्या क्या है जनाब, आइए हम जरा चेक करते हैं। मेन्यू में जो सबसे पहले सर्व किया था जनाब, वो थी सैलड। सैलड आप देखें, बहुत ही मज़ेदार किस्म की सैलड थी जिसने खाने के अंदर मज़ीद चांद चांद लगा दिए। नेक्स्ट जो स्टार्टर था वो था अरबियन पफ, अरबियन पफ के साथ इन्होंने एक और आइटम सर्व किया था, वो था जनाब चिकन। चिकन को इन्होंने फिश की तरह फ्राई किया। चटनी से आगे बढ़ते हैं तो आ गई है ये स्टीम चिकन, राइट, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े ये आ गई है मज़ेदार सी लाइव कढ़ाई। कढ़ाई को अगर हम आगे देते हैं ढक्का तो फिर आते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म नान और शीरमाल और आखिर में आ जाता है खाने का मोस्ट पार्ट बिरयानी। ये देखें जनाब ज़बरदस्त, तो यहाँ कुछ ही देर में खाना लगने वाला है, तो जनाब कुछ ही देर में खाना लगने वाला है। आवाम का जो
नजरें हैं ना इस वक्त सिर्फ मेन्यू की तरफ है कि मेन्यू तो बड़ा ही प्यारा है, मेन्यू में क्या है। इस वक्त जो है आज से ज्यादा लोग जो इसी इंतजार में कि कब खाना खुलेगा। बारात आ चुकी है, दुल्हन का इंतजार है और सबसे ज्यादा जो इंतजार है दुल्हन से ज्यादा लोगों को खाने का है। खाना बड़ा मजेदार है और देखते हैं कि लोगों की क्या राय होती है। तो आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी स्टार्ट करते हैं यहाँ सैलेड से, सैलेड कढ़ाई चिकन स्टीम और पॉक पैटीज बिरयानी और फिश, ये सारे आइटम मेरे प्लेट में है। उसे गर्मा गर्म नान और कोल्ड ड्रिंक के साथ इसको करते हैं एंजॉय, फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। लेट्स स्टार्ट। और जनाब अब बारी आ गई है मीठे की, मीठे है लड्डू से और आइसक्रीम। तो जनाब खाना खाना हमारा हो चुका है और हम आ गए हैं इस वक्त बाहर। तो अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी तो खाने का जो मसला था वो उसकी ज़रा रिव्यू की बात करते हैं। तो कैटरिंग के लिए ना 100 में से 100 नंबर है, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था, अच्छा इंतज़ाम था। खाना पीना बहुत, सर्विसेज भी बहुत प्यारी थी और मेन्यू तो आपने देखा और वेन्यू भी देखा आपने, बड़ा प्यारा था। तो मुनज़्ज़म भाई से मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कैसे खाना को इन्जॉय किया। तो थोड़ी देर में अभी जो है पार्टीशन हट जाएगा, कुछ गेस्ट चले जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये लेडीज जेंट्स कंबाइंड हो जाएंगे, फिर बच्चों से रिव्यू लेंगे। ये आ गए हमारी बच्चा पार्टी सारी पीछे और हम आ गए बाहर और अब आपको मिलाते हैं दूल्हा के भाई से। आइए 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 आइए, कहाँ गया दूल्हा का भाई? ये आ गए दूल्हा के भाई, हेलो। जरा मैं जरा दूल्हा का गेटअप गेटअप दिखा, ये देखिए ये देखिए ये है दूल्हा के भाई और ये दोनों सारे माशाल्लाह मेरे दूल्हा, एक ये दूल्हा, एक ये दूल्हा, ये चेक, ये आप चेक करें, ये देखें ये दूल्हा। फुल कोशिश थी कि लड़की तलाश कर लेंगे आप, लेकिन आज नाकाम हो गए ये तीनों लड़के। मैंने तो सोचा था कि आज बहू साथ लेके जाऊंगी लेकिन नहीं मिली। कोई बात नहीं, बेटर लेस नेक्स्ट टाइम। हर अच्छी इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसले आता है ना। क्या क्या दो लाने थे, एक दूल्हे की माँ के नाम मतलब दूल्हे के नाम और एक दूल्हे के भाई के नाम। अच्छा कि इनविटेशन किस किस ने दिया था? दूल्हे के भाई ने दिया था और दूल्हे की माँ ने दिया था। नहीं दिया ना तो फिर लिफाफा किसका हुआ? दूल्हे के भाई का। बहुत सारी तालियां, वाह 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 वाह। अब हो गई है शादी का एंड, मेरा पर्स यहाँ रखे रहने दो। शादी का एंड हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो गाड़ी का करते इंतजार, करीम हमने बुक करवाई है, जैसी गाड़ी आती है फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ एक नए व्लॉग में। तो जब तक के लिए इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।